सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए लेके आए हैं हम ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R 4V एडिशन, जो कि 2.0 वर्जन है। तो इसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं, सबसे पहले हम अपडेट की बात करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको पुरानी गाड़ी पर भी मिलती थी। तो सबसे पहले हम अपडेट की अगर बात करें, तो आप देख सकते हो ये ऑल न्यू केवलर ब्राउन कलर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रेजेंस इसका बहुत ही बढ़िया है रोड में, एंड जो चमक आ रही है इसमें, जो गोल्डन कलर का जो यहाँ पे साइन है, सारे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। सेकेंड अपडेट की बात करूंगा, अब पहले से ज़्यादा बेटर सीट आपको मिलने वाली है, क्योंकि इसकी जो पहली गाड़ी आती थी उसमें आता था स्प्लिट सीट, जिसकी वजह से ये जो सीट है ना बहुत छोटी हो जाती थी, एंड इवन आगे वाले बंदे को भी बैठने में प्रॉब्लम होती थी। 160R की यहाँ पे बैजिंग भी देखने को मिल रही है, तो आपकी सीटिंग कंफर्टेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की। तीसरा अपडेट जो इसका है, आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट कर दी है पूरी तरीके से चेंज। तो यहाँ पे एच शेप में आपको अब इसकी टेल लाइट देखने को मिलेगी, एक बार जला के दिखाऊंगा। तो जलने के बाद कुछ इस तरीके से है, और अगर मैं इसमें ब्रेक मारता हूं तो ये पूरा एच का सिंबल बन जाता है, तो हीरो का सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हीरो सारी नई गाड़ियों में इस तरीके की न्यू एज की यहाँ पे लाइट देने वाला है, हीरो के बैजिंग के साथ में, एच के साथ में। तो गाड़ी यार ओवरऑल बहुत बढ़िया है। एंड चौथा सबसे बढ़िया अपडेट जो कि आप मिस कर रहे थे, वो है डुअल चैनल ABS। आप लोग की शिकायत थी कि भाई हीरो ने अभी तक 160cc में डुअल चैनल ABS क्यों नहीं दिया भाई, तो अब देखिए आपके साथ में डुअल चैनल ABS वाली 160R 4V खड़ी है यहाँ पे। तो ये कुछ अपडेट थे जो कि 2024 में हीरो ने किया है। अब हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक 160cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि ऑयल एंड एयर कूल्ड है, 4V इंजन है, तो पावर आपको बढ़िया मिलने वाली है। पावर की बात करूं, 16.9 PS की पावर है, 14.6 NM का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि 160cc का अब तक का फास्टेस्ट बाइक क्लेम कर रहा है हीरो, एंड मैंने टेस्ट भी किया है, लिंक दे दूंगा मैं। तो ये 160 अपाचे एंड इवन N160 से भी फास्ट है, क्योंकि N जो है वो 162V है, एंड ये जो है ये 4V है, तो थोड़ी सी ज़्यादा इसका जो एक्सेलरेशन है 0 to 60 अभी तक का सबसे फास्टेस्ट टाइमिंग रिकॉर्ड कर चुका है। चलिए एक अपडेट मैं भूल गया था बताना, पांचवा अपडेट वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले के मामले में 300 ज़्यादा ब्राइटनेस आपको दिखेगा, ब्राइट कर दिया गया है 300%। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन और ऐड किए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ओडो है, यहाँ पे आपको टिप ए मिलता है, बी मिलता है, ये मिल जाता है D1 जो कि आपका 100 मीटर का ड्रैग टाइमर है, एक मिलता है आपको D2 जो कि 400 मीटर का आपको ड्रैग टाइमर देखने को मिल जाता है। तो आप अपने ड्रैग जो आपका टाइमर है ना उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो, देख सकते हो कि 0 to 60 100 मीटर में आप कितनी जल्दी से अचीव कर लेते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट पोजिशन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल गेज है, ये आपको टाइम देखने को मिल जाता है, RPM यहाँ मिलेगा देखने को, और यहाँ पे कुछ ब्लिंकर्स हैं, इधर साइड से देख सकते हो, यहाँ पेट्रोल का देखने को मिल जाता है, बाकी ये दो मोड दिए हैं। एक चीज़ मिसिंग लग रही है, वैसे दो चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे यहाँ पे, आपको रेंज भी मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, और साथ में माइलेज इंडिकेटर भी मिल जाता तो भाई चार चांद लग जाते हैं इस स्पीडोमीटर को। तो ये दो चीज़ मिसिंग मुझे लग रहे हैं, बाकी अब मैं इसमें बैठ के आपको दिखाता हूँ। मेरी हाइट है 5'8", और 5'8" वाला बंदा इसमें कितना कंफर्टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पैर पूरी तरीके से नीचे नहीं है, बट ऑलमोस्ट नीचे है, और इसकी जो सीट है वो कंफर्टेबल लग रही है, हैंडल भी अपराइट है, मतलब पूरी तरीके से अपराइट नहीं है, बट इसका जो पोजीशन निकल के आ रहा है बढ़िया है। पैर की बात करूँ पोजीशन, मेरे हाइट के लिए इसका जो टैंक्स में जो मेरा पैर आ रहा है वो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। एंड अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ, 795 सीट हाइट देखने को मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस की 165mm की है, जो कि सफिशिएंट है इंडियन रोड के लिए। तो भाई ओवरऑल मेरी हाइट में बढ़िया है, 146kg का ये कर्व वेट आपको देती है, तो मतलब आपके लिए ये हैंडी हो जाएगा। अगर आपकी हाइट है 5'3" या मान लीजिए आपकी हाइट है 5'2", तो 5'2" वाले भी इसको ईजिली हैंडल कर लेंगे, हल्की गाड़ी है, सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। आगे की तरफ अब बात करते हैं टायर की तरफ। तो टायर में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको 17-inch के अलॉय के साथ में यहाँ पे 270mm का पेटल डिस्क देखने को मिलता है। पेटल डिस्क से फायदा ये होता है इसका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब कूलिंग अच्छी करेगा। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो कैलिपर्स, यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं दी गई है, तो हो सकता है इन हाउस बना हो। एंड ये जो टायर है आपको 100 सेक्शन 18-17 inch के एलॉयज के साथ में आता है। एंड अगर फ्रंट में ये सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स KYV के मिलते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और अच्छा प्रेजेंस हो जा रहा है बाइक का।
और अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट की, तो भाई यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर हेडलाइट देखने को मिलते हैं, साथ में DRL हैं छोटे से दो, एंड ये देख सकते हो आप रिफ्लेक्टर लाइट है, पास बीम आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की लाइट देता है। तो मतलब इसका जो फोकस है ना बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे के टायर की बात करूँ तो भाई फ्लैट टायर यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, रेडियल टायर है 130 सेक्शन के, 70R17 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो रेडियल टायर है, ग्रिप बढ़िया होने वाली है, स्टेबिलिटी अच्छी होने वाली है। पीछे के डिस्क की बात करूँ, ये भी पेटल देखने को मिल रहा है 220mm के, ये ज़्यादा बड़े नहीं है बट पेटल है, तो पेटल का जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अच्छा होता है, तो उसमें बड़े प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैलिपर्स यहाँ पे आपको निसन के देखने को मिलेंगे, तो निसन के कैलिपर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हैं निसन की ब्रांडिंग है, तो अच्छे कैलिपर्स आपको देखने को मिले। ब्रेक का जो इसका पंच होने वाला बढ़िया होने वाला, डुअल चैनल ABS है, तो भाई सेफ्टी भी पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी आपकी। और अगर मैं बात करूँ इसके इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाते हैं, तो लाइट इसमें आपको फुली LED देखने को मिलेगी, हजार्ड लाइट के बटन के साथ में। तो बटन की बात करें अगर हम, तो ये जो बटन है इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसके जो फिनिशिंग है फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कलर बढ़िया लग रहा है, और जो बटन की क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है। अगर मैं ब्रेक की बात करूँ तो आप देख सकते हो एडजस्टेबल ब्रेक देखने को नहीं मिलते आपको लिवर्स, एंड क्लच में भी सेम ही चीज़ है, सिंगल आप ज़्यादा यहाँ पे आपको एडजस्टेबल के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, एंड इवन जब मैं अगर एक उंगली से दबाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हैवी इसका क्लच नहीं है, तो ईजी होने वाली है आपकी राइड में। यहाँ पे आपको लाइट का बटन मिल जाता है, ये आपको इंडिकेटर्स की लाइट्स देखने को मिल जाती है, हॉर्न कुछ इस तरीके का, पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चाबी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में अभी इसी तरीके की चाबी मिल रही है देखने के लिए। तो गाड़ी यार ओवरऑल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है, मुझे तो यार अच्छी लग रही है, बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप चाह रहे होंगे कि मैं इसको चला लूं, तो चलाते हैं भाई, देखते हैं चलने में कैसी है, भागती है कि नहीं भागती है। फिलहाल टॉप स्पीड तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको एक पंच दिखा दूंगा गाड़ी का, और मेरा एक्सपीरियंस क्या होने वाला है इस गाड़ी को चलाने में वो भी आपको बताऊंगा। चलिए सीधे मिलते हैं हेलमेट के कमरे में और दिखाते हैं आपको ये गाड़ी कैसी है। तो भाई हेलमेट लगा लिया है और गाड़ी देखिए एकदम शानदार दिखने में लग रही है, कलर बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है, ऐसे ब्राउन नहीं दिख रहा, लेकिन फोटो वोटो खींचते हो ना तो ब्राउनिश फील आ रहा है, ऐसे थोड़ा ग्रे लग रहा है सामने से आप अगर देखेंगे, लाइट भी बढ़िया है। चलिए चलाते हैं, और ये सिंगल सीट कर दी है तो मेरे हिसाब से बढ़िया कर दिया है पिलियन को बैठने के लिए, तो अगर आपके घर में मम्मी पापा या बहन या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, कोई नहीं मतलब गर्लफ्रेंड है आपकी, वो यहाँ पर ईजिली बैठ जाएगी। चलिए गाड़ी को चलाते हैं एक बार, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, आवाज़ बहुत स्मूथ देखने को लग रही है। चलिए गाड़ी चलाते हैं। टैंक की बात करूं भाई, यहाँ पे आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑफ रोड करते हुए रोड की तरफ जाएंगे। बढ़िया गाड़ी बढ़िया भाग रही है, शॉकर भी बढ़िया लग रहे हैं, आगे के अपसाइड डाउन फोक्स आपको देखने को मिलते हैं, और पीछे के जो हैं वो आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं, प्रीलोड एडजस्ट मिलता है आपको 7 स्टेप में। बाकी भगा के देखे शॉकर कैसे हैं, बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, गाड़ी हल्की है तो गाड़ी चलने में भी बढ़िया है। ओ भाई साहब बढ़िया है, ब्रेक मारे एक बार तो ABS भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, डुअल चैनल ABS दे दिया तो हीरो वालों ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है, एंड यार माइलेज जो क्लेम कर रही है कंपनी वो कर रही है 48 KMPL, तो मेरे को लगता है 160 के हिसाब से सफिशिएंट माइलेज है, एंड जो इसका 12 लीटर का टैंक है ना उस हिसाब से आपको बढ़िया माइलेज देखने को मिल रहा है, तो इसकी जो रेंज है ना वो भी बढ़िया हो जाएगी। चलिए एक बार भगा के देखते हैं, भाग तो यार तगड़ी रही है, लग रहा है लग रहा है, ये भी टेस्ट करेंगे फ्यूचर में, लग रहा है कि भाई ये 0 to 60 अदर जो कॉम्पिटिटिव मोटरसाइकिल है उससे फास्ट देखने को मिल रही है। हालांकि मैंने पुरानी वाली 4 Me में टेस्ट किया हुआ है, वो आप जा करके मेरे चैनल में देख सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पे भी आ रहा होगा। गाड़ी यार ओवरऑल बढ़िया है, और जो इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई है 300% वो वर्थ इट है। अब यहाँ पर विजिबिलिटी जो है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो गाड़ी ओवरऑल गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है चलाने की राइडिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छी देखने को मिल रही है, और इसकी जो सीट है वो भी कंफर्टेबल देखने को मिल रही है। इसका जो साइड मिरर है वो भी बढ़िया है, अच्छा यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है पीछे का, वाइब्रेशन सबसे मेन चीज़, अगर मैं कंपेयर करूँ अदर कॉम्पिटिटिव बाइक से तो इसका वाइब्रेशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा मुझे फुट में। देखिए अगर मैं 7000 RPM पे हूँ तीसरे गियर में, अब मुझे वाइब्रेशन मिल रहा है 8000 पे,
तो भाई 8000 आरपीएम पे आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फुट में मिलेगा। हैंडल बार में ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ, सिटिंग पोजीशन की, तो बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है। बहुत ही ईजिली आप राइड कर सकते हो, कम्यूट कर सकते हो और इवन लॉन्ग राइड भी आप इस गाड़ी में कर सकते हो। एक चीज़ की थोड़ी सी यहाँ पे इशू देखने को ज़रूर मिलेगी, जो इसका पीछे का जो सीट है थोड़ा सा छोटा है। मतलब बाइक का जो डिज़ाइन ही है ना, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से इसकी जो एजिलिटी है बढ़िया हो जाती है, बट जो कंफर्ट होता है बैठने का वो थोड़ा कम हो जाता है। पिलियन का राइडिंग के लिए तो ठीक है, अगर पिलियन आप बैठाते हो तो उसकी थोड़ी सी डिसकम्फर्ट फीलिंग हो जाएगा उसको पीछे बैठने में। और एजिलिटी लेकिन बढ़िया हो जाएगी इसकी, जो मनूवर और जो इसकी टर्निंग है वो अच्छी हो जाती है जब कॉम्पैक्ट गाड़ी बनती है, छोटी बनती है। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत मज़ा आई और डुअल चैनल ABS भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसी जगह पे मैंने डुअल चैनल ABS का यूज़ किया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शॉकर भी अच्छे हैं, मुझे ज़्यादा बम्प्स देखने को नहीं मिले। तो सब कुछ बढ़िया है। डुअल चैनल ABS पूरी तरीके से नहीं काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें मीटर निकला हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। डुअल चैनल ABS नहीं काम कर रहा, बट ब्रेकिंग अच्छी लगी। मुझे लगा कि ABS काम कर रहे हैं, ऐसी ब्रेकिंग लगी वहाँ पे दोनों को साथ में दबाने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से यार गाड़ी परफेक्ट है। तो कंक्लूजन में आते हैं भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया है और प्राइसिंग मैंने आपको बताना भूल गया था। तो ये गाड़ी जो प्राइसिंग है ना, 139,500 एक्स शोरूम लखनऊ आपको देखने को मिलेगी। तो बढ़िया यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिल रही, कॉम्पिटेटिव प्राइस है, ऑयल कूल्ड है, FI प्रोग्राम के साथ में गाड़ी आती है। कंक्लूजन यही है भाई, अगर आपके पास 139,500 एक्स शोरूम की जो प्राइस है, अराउंड ऑलमोस्ट आपकी 160 तक की पड़ेगी ऑन रोड, इतना अगर आपके पास प्राइस है ना, तो 160 की फास्टेस्ट 160 मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल रही है, आप इसके साथ जा सकते हो। कलर भी बहुत बढ़िया निकाल दिया इन लोगों ने, एक ब्लैक कलर आता है, एक नियॉन कलर में भी आता है। तो आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मेरे हिसाब से गाड़ी बढ़िया है, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।